हाय फ्रेंड्स, इंश्योरेंस टेक्निकल के एफएक्यू सीरीज के तहत आपका स्वागत है। आज का सवाल है, क्या टर्म इंश्योरेंस की पॉलिसी के रिन्यूअल के टाइम पर इसका रिन्यूअल प्रीमियम बढ़ सकता है? इसको समझने के लिए हम टर्म इंश्योरेंस को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला, प्योर टर्म इंश्योरेंस। इसमें सिर्फ टर्म इंश्योरेंस की कवरेज होती है, इसमें ना तो कोई अदर बेनिफिट है और ना ही कोई राइडर। और दूसरा है टर्म इंश्योरेंस विथ अदर राइडर लाइक क्रिटिकल इलनेस, कैंसर प्रोटेक्शन और अदर राइडर रिलेटेड टू हेल्थ बेनिफिट। जो पहली टाइप की पॉलिसी है जिसमें सिर्फ टर्म इंश्योरेंस की कवर है, इसका रिन्यूअल प्रीमियम कभी चेंज नहीं होगा। आपने जितने भी टर्म की पॉलिसी ली है, चाहे आपकी पॉलिसी आपके 50, 60, 70 या 100 वर्ष तक आपकी लाइफ को कवर प्रोवाइड करती हो, रिन्यूअल प्रीमियम इज गोइंग टू बी द सेम एज यू हैव पेड एट द टाइम ऑफ टेकिंग द पॉलिसी। रिन्यूअल का प्रीमियम कभी भी चेंज नहीं होगा। लेकिन यदि आपने टर्म इंश्योरेंस की पॉलिसी हेल्थ बेनिफिट के साथ ली है तो आपका रिन्यूअल प्रीमियम बढ़ सकता है। यह कोई जरूरी नहीं है कि आपका प्रीमियम बढ़ेगा, बट इसकी संभावना है। लेकिन ध्यान दें, प्रीमियम बढ़ने की संभावना सिर्फ हेल्थ बेनिफिट वाले पोर्शन पर है, टर्म इंश्योरेंस के पोर्शन पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। टर्म इंश्योरेंस के पोर्शन का प्रीमियम नहीं बढ़ेगा। इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मिस्टर सुरेश ने 1 करोड़ के टर्म इंश्योरेंस की पॉलिसी हेल्थ बेनिफिट के राइडर के साथ ली, जिसमें उनके टर्म इंश्योरेंस का एनुअल प्रीमियम 18,000 रुपये है और राइडर का एनुअल प्रीमियम 2,000 रुपये है। टोटल एनुअल प्रीमियम 20,000 रुपये है। यहाँ पर टर्म इंश्योरेंस का प्रीमियम 18,000 है, यह कभी चेंज नहीं होगा। जो राइडर का प्रीमियम जो कि 2,000 है, सिर्फ यह चेंज हो सकता है यदि आपने टर्म इंश्योरेंस की पॉलिसी हेल्थ बेनिफिट के साथ ले रखी है। तो चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि यदि आपने अलग से उस राइडर की पॉलिसी ली होती तो प्रीमियम बढ़ने की संभावना वहां पर ज्यादा होती। दोस्तों, यदि इन्फॉर्मेशन काम की लगी हो तो लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब करें इस चैनल को और जुड़ जाएं हमारे साथ इंश्योरेंस से जुड़े महत्वपूर्ण तथ्यों की जानकारी के लिए। और ऐसे ही महत्वपूर्ण तथ्यों की जानकारी के लिए आप हमारे इंश्योरेंस टेक्निकल चैनल को विजिट कर सकते हैं। और अंत में थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।